सुप्रीम कोर्टानं तृतीय पंथीयांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. तृतीय पंथीयांना सामाजिक मागास म्हणून दर्जा द्या असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा या देखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. तृतीय पंथीयांना थर्ड जेंडर म्हणून सुप्रीम कोर्टानं मान्यता दिलेली आहे. तृतीय पंथीयांना सामाजिक मागास म्हणून दर्जा द्या असं देखील सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय. आणि अशा प्रकारे मेरे आज मैं जैसे कोर्टरूम में अंदर में दाखिल हुई और मेरे मन से यही निकला कि आज 15 अप्रैल है, 15 तारीख भारतवर्ष के लिए हमेशा शुभ रहा है. काश आज मेरे समाज के लिए और मेरे लिए भी ये 15 तारीख शुभ हो. पर आज जो जस्टिस राधाकृष्ण ने और जस्टिस सीकरी ने जो जजमेंट उन्होंने हमें सुनाया, उन्होंने कहा किसी भी देश का उन्नति और डेवलपमेंट उसके ह्यूमन राइट्स से है, उनके इंसानों के हक से है. आज मर्द औरत और थर्ड सेक्स या थर्ड जेंडर को किन्नरों को बहुत बड़ा हक दिया गया है, मानवीय अधिकार का हक दिया गया है. आज मैं पहली बार अपने आप को भारतीय होने का गर्व महसूस कर रही हूँ. आज लग रहा है कि लक्ष्मी या अर्नेस्ट या मेरे सारी बहनें आज भारतवर्ष में, आज हम एक भारतीय है और इसका मुझे गर्व है. क्योंकि आज दोनों जस्टिस ने, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हमें हमारा हक दिया है, राइट फ्रॉम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या हर एक तबके को छुआ है सुप्रीम कोर्ट ने. और मैं धन्यवाद करती हूँ दोनों जस्टिस का. ये जो पास है मेरे पास, जिंदगी का पहला पास सुप्रीम कोर्ट का है, और मैं अपने लॉयर्स और जितने भी लॉयर्स उसमें शामिल थे, आनंद ग्रोवर, लाया मेहंदी और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, अर्नेस्ट को, गौरी भी थी एक पेटनिशर, और मैं शुक्रिया करती हूँ कि आज भारत में हमें हमारा हक मिला है. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.